हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू EDUACS योर एजुकेशन मेंटर। सो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं NMC के लेटेस्ट सीट अपडेट के बारे में। आप सभी लोगों को पता है, हम अपनी प्रीवियस वीडियोस के थ्रू आप लोगों को इन्फॉर्म करते रहते हैं कि किस स्टेट में आप लोगों की कितने न्यू मेडिकल कॉलेजेस आए हैं और साथ साथ कितनी आप लोगों की सीट इंक्रीज हुई है। आप सभी जानते हैं कि जब हमारा नीट का एग्ज़ाम होने वाला होता है और हमारा नीट का एग्ज़ाम हो जाता है, देन हमारे रिजल्ट का जब वेट होता है, तो उस बीच में काफ़ी कॉलेजेस जो हैं हमारे NMC की सीट पे, कॉलेजेस सीट का जितना भी हमारा सारा डाटा है वो NMC प्रोवाइड करता है अपना सारा डाटा। तो और आप लोगों को ध्यान होगा, हमने आपको अपनी जब सीट्स की वीडियोज़ बनाई थी उसमें बताया था कि हमारी जब 2022 की काउंसलिंग डन हुई थी तो हमारी जो सीट थी टोटल NMC पे, वो सीट हमारी 93,000 तक हमारी सीट थी। लेकिन अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि 1,00,000 प्लस आप लोगों की सीट हो गई है। एट द टाइम ऑफ जब हमारी काउंसलिंग डन हुई थी 93,000-95,000 के बीच में हमारी सीट थी, लेकिन अभी हमारे कॉलेजेस भी इंक्रीज़ हुए हैं और साथ साथ हमारी जो यहाँ पे सीट भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इंक्रीज़ हो गई है, 1,04,000 प्लस सीट हो गई है। हमने जब प्रीवियस वीडियो बनाई थी तो उसमें आप लोगों को याद होगा हमारी जो ओवरऑल सीट थी वो 1,01,000 थी और अभी जो सीट हो गई है 1,04,000 हो गई है। हमारे देखिए काफ़ी न्यू मेडिकल कॉलेजेस आए हैं, अलग अलग स्टेट में आए हैं ओवरऑल इंडिया में आप लोगों के, जिसके अभी हम आगे बात करेंगे। पूरा चार्ट हमने यहाँ पे क्रिएट किया है जिस पे हम बात करेंगे। और साथ साथ देखिए जो ये 9,000 सीट आप लोगों की आई हैं, ये हम सारी ऐड करके बता रहे हैं जो हमने प्रीवियस वीडियोज़ में आप लोगों को बताया था। और साथ ही 9,000 सीट में 3,500 प्लस सीट हमारी जो न्यू मेडिकल कॉलेजेस आई हैं उनमें आई हैं, जो कि आप लोगों के गवर्नमेंट के हैं, ट्रस्ट के हैं, प्राइवेट के हैं, कॉलेजेस आप लोगों के डिफरेंट डिफरेंट हैं। और जो हमारी सीट बच गई हैं, वो सीट जो हमारी आई हैं, वो जो हमारे कॉलेजेस हैं ओवरऑल इंडिया में जितने भी कॉलेजेस हैं, चाहे फिर वो आप लोगों के गवर्नमेंट के हों, प्राइवेट के कॉलेजेस हों या आप लोगों के ट्रस्ट के कॉलेजेस हों, तो उनमें सीट इंक्रीज़ हुई हैं, उसका हम आपको चार्ट दिखाएंगे। लेकिन अभी हम बात करेंगे जो न्यू मेडिकल कॉलेजेस आए हैं अलग अलग स्टेट में। आप सभी जानते हैं कि हमारी सीट जो है, मेडिकल कॉलेज जो है यहाँ पे इंक्रीज होते रहते हैं हमारे इंडिया में, तो अभी 1,00,000 प्लस जो हमारे हो गए हैं उनके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। और अभी देखिए हमारा नीट का एग्ज़ाम जो कि 7 मई को होना है, वो अभी हमारा पेंडिंग है। 7 मई को आप लोग एग्ज़ाम दे के आएंगे, देन आफ्टर दैट रिजल्ट आएगा। तो अभी काउंसलिंग में हमारे टाइम है, जब रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने में आप सभी जानते हैं 1 मंथ का टाइम पीरियड तो आप लोगों का लगता है, जो भी उन लोगों की डेट होती है उस अकॉर्डिंग आप लोगों का लिंक क्रिएट होता है, देन आप लोग अपना जो रिजल्ट होता है उसको डाउनलोड करते हैं उस लिंक के थ्रू। तो अभी हमारा जो है यहाँ पे जब तक काउंसलिंग स्टार्ट होगी, बहुत अच्छे यहाँ पे हमारे चांसेस बन रहे हैं कि हमारी अभी ज़्यादा से ज़्यादा सीट इंक्रीज़ हो रही है, ज़्यादा ज़्यादा कॉलेजेस इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो देखिए हमारी जब कॉलेजेस इंक्रीज़ होते हैं, न्यू मेडिकल कॉलेजेस आते हैं और हमारी जब सीट इंक्रीज़ होती हैं न्यू मेडिकल कॉलेज में, तो ऑब्वियसली सीट आएंगी, लेकिन जो पहले हमारे कॉलेजेस हैं हमारे पास उनमें भी सीट इंक्रीज़ हो रही हैं, तो कट ऑफ में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। क्योंकि जैसे जैसे कॉलेजेस इंक्रीज़ होते जाएंगे हमारे, जैसे जैसे हमारी सीट्स इंक्रीज़ होती जाएंगी, और किसी एक स्टेट में इंक्रीज नहीं हो रही है, ओवरऑल इंडिया में इंक्रीज हो रही है, तो वैसे ही वैसे आप लोगों का यहाँ पे हमें कट ऑफ में भी डिफरेंस देखने को मिलेगा। क्योंकि सीट बढ़ेंगी, कॉलेजेस बढ़ेंगे, तो कट ऑफ हमें कम देखने को यहाँ पे मिलेगी। तो उसके बारे में हम पूरे सेशन में बात करने वाले हैं। और प्लस हमारी देखिए एक न्यू डीम्ड यूनिवर्सिटी भी आई है। अब तक हमारी ओवरऑल इंडिया में जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज थी वो 49 डीम्ड यूनिवर्सिटी थी, अभी प्लस वन हमारी एक और हरियाणा में डीम्ड यूनिवर्सिटी आई है। आप सभी जानते हैं हरियाणा में जो हमारा MMU अंबाला वाला जो कॉलेज है, जो कि डीम्ड की यूनिवर्सिटी है, तो न्यू डीम्ड यूनिवर्सिटी भी हमारी हरियाणा में ही आई है, उसके भी हम यहाँ पे बात करेंगे। तो ये हमारा देखिए NMC का पोर्टल आप लोग देख सकते हैं, 680 कॉलेजेस हो गए हैं। लास्ट वीडियो जब हम लोगों ने बनाई थी तो उसमें जब हमने डिस्कशन किया था तो उस टाइम हमारे जो कॉलेजेस थे वो यहाँ पे 62 कॉलेजेस थे, तो अभी 680 कॉलेजेस हो गए हैं। 1,04,8300 हमारे पास सीट हो गई हैं। और अभी हम चलते हैं जो हमने यहाँ पे चार्ट क्रिएट किया है उसके पास। तो टोटल सीट जो इंक्रीज़ हुई हैं 3,800 सीट इंक्रीज़ हुई हैं, जिसमें से जो न्यू कॉलेजेस ऐड हुए हैं, प्रीवियस वीडियो का कंपैरिजन हम करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आप लोगों की जो प्राइवेट की सीट इंक्रीज़ हुई हैं 2,150 हुई हैं, गवर्नमेंट की 1,650 हुई हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि प्राइवेट कॉलेजेस, प्राइवेट का आप लोग जानते हैं अगर ओपन स्टेट है, वो ओपन स्टेट आप जानते हैं कि हमने वीडियो भी बनाई थी, आप लोगों ने देखी होगी कि अगर ओपन स्टेट है तो आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स, कि आपके कितने मार्क्स हैं और उस
स्टेट को कितने मार्क्स चाहिए आपको मेडिकल की सीट देने के लिए और अकॉर्डिंग टू योर बजट कि आपका कितना बजट है प्लस आपके कितने मार्क्स हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट की 1650 सीट इंक्लूड हुई है और डीम्ड यूनिवर्सिटी 150 सीट के साथ आई है, एक डीम्ड यूनिवर्सिटी आई है। ओवरऑल सीट हमारी हो गई है 104,083, कॉलेजेस हो गए हमारे 680। और अभी हम देखते हैं लास्ट ईयर, आप लोगों को पता होगा कि लास्ट ईयर जब हमारी काउंसलिंग प्रोसेस में थी, एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग तेलंगाना को लेके काफ़ी था कि तेलंगाना, हालांकि तेलंगाना एक ओपन स्टेट है, तेलंगाना में अदर स्टेट के कैंडिडेट जाके काउंसलिंग कर सकते हैं अगर उनके पास उतने मार्क्स हैं जितना हमारे तेलंगाना के कॉलेजेस के लिए चाहिए। आप जानते हैं तेलंगाना में आपको एडमिशन के लिए 400 प्लस मार्क्स तो आपके पास होने चाहिए, लेकिन ये भी आप लोगों के कब जाते हैं, आप लोगों का जब मॉपअप राउंड तक की काउंसलिंग के लिए सीट अवेलेबल रहती है तब आप लोगों को पता है कि कम पे भी वहां पे आप लोगों को सीट मिल जाती है। तो 400 प्लस मार्क्स तक अगर आपके पास होते हैं तो आपको वहां पे सीट तेलंगाना में मिल जाती है। तो तेलंगाना में ये चीज काफी थी कि हमारा नोटिस भी आया था कि तेलंगाना में सीट रिड्यूस्ड कर दी गई थी, अदर स्टेट के कैंडिडेट के लिए सीट कम कर दी गई थी, लेकिन अगर अभी हम देखते हैं तो सबसे ज्यादा सीट हमारी जो इंक्रीज हो रही है वो तेलंगाना में ही इंक्रीज हो रही है। जब से हमारी 2022 की काउंसलिंग डन हुई है तब से लेकर के अब तक हमारे 11 न्यू मेडिकल कॉलेजेस यानी कि 11 न्यू मेडिकल कॉलेजेस तेलंगाना में इंक्रीज हो चुके हैं, गवर्नमेंट के और ट्रस्ट के हैं। लेकिन अभी भी आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा एग्जाम भी नहीं हुआ है, अभी 11 कॉलेजेस आ गए हैं। इट्स मीन बहुत अच्छे चांसेस बन रहे हैं हमारे यहाँ पे कि जब तक हम लोगों का काउंसलिंग स्टार्ट होगी हमें तेलंगाना में और भी कॉलेजेस देखने को मिले। और साथ साथ देखिए तेलंगाना ही नहीं, सभी स्टेट में, मतलब मोस्टली स्टेट में तो आप लोगों के कॉलेज यहाँ पे इंक्रीज हो ही रहे हैं। तो ये तो हमने आप लोगों से बात कर ली थी, अभी जो हमारे न्यू कॉलेजेस आए हैं हम सिर्फ उनके बारे में बात करेंगे। कर्नाटका आप जानते हैं लास्ट ईयर कर्नाटका में काफ़ी न्यू मेडिकल कॉलेजेस आए थे जिससे कि हमें कट ऑफ में कितना इम्पैक्ट देखने को मिला था। आप लोग जानते हैं कर्नाटका एक ऐसा स्टेट है जिसमें कैंडिडेट काउंसलिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं क्योंकि वहाँ पे फीस भी आप लोगों की कम तो नहीं, लेकिन फीस आप लोगों की वहाँ पे ठीक है, कैंडिडेट अफोर्ड कर सकते हैं। और साथ साथ आप लोगों के जो बैंगलोर के कॉलेजेस हो गए, मैंगलोर के कॉलेजेस हो गए, यहाँ पे कैंडिडेट जाना ज़्यादा चाहते हैं। तो आप कर्नाटका में जाते हैं 550 तक हमारी कट ऑफ जाती थी, लेकिन वही हमारी अगर हम देखते हैं तो हमारा जो लास्ट ईयर का अगर हम डाटा 2022 का देखते हैं तो 492 पे कैंडिडेट को भी सीट मिल गई है हमारी। तो आइए हम आगे यहाँ पे अब बात कर लेते हैं न्यू कॉलेजेस। जैसे आपका सिद्धांगा मेडिकल कॉलेजेस था, कॉलेज आया था जो लास्ट ईयर, और भी न्यू मेडिकल कॉलेज आए थे बट सिद्धांगा में सबसे कम हमारी कट ऑफ मिली थी। तो देखिए हमने वही अभी जो अर्लियर बात की थी कि जैसे जैसे कॉलेजेस इंक्रीज होते हैं वैसे वैसे हमें कट ऑफ में फर्क देखने को मिलता है, कट ऑफ वैसे वैसे आप लोगों की डिक्रीज जाती है। तो हम बात कर लेते हैं तेलंगाना स्टेट की, अभी हम बात कर रहे थे तेलंगाना में और भी न्यू मेडिकल कॉलेजेस आप लोगों के गवर्नमेंट के आ गए हैं। पहले 6 मेडिकल कॉलेजेस आपके ऑलरेडी आ चुके थे जिसकी हमने बात कर ली थी, हम उनकी बात नहीं करेंगे। अभी आप लोगों के 4 न्यू मेडिकल कॉलेजेस गवर्नमेंट के आए हैं, एक आपका GMC विकाराबाद में, एक आपका GMC कम्माम में, एंड थर्ड आपका GMC जनगांव में, एंड एक आप लोगों को आया है GMC जयाशंकर भोपालपली में, एंड एक आपका ट्रस्ट का कॉलेज आया है। ट्रस्ट आप जानते हैं कि ट्रस्ट के कॉलेजेस में अदर स्टेट के कैंडिडेट तो कर सकते हैं अगर स्टेट ओपन है तो, जैसे हमारा तेलंगाना ओपन स्टेट है अदर स्टेट के कैंडिडेट, लेकिन वहाँ पे आप लोगों का डिफरेंट जाता है, यहाँ पे आप लोगों का स्टेट के बच्चों के लिए भी सीट अवेलेबल रहती हैं। ट्रस्ट का कॉलेज आया कमर रेड्डी, 100 सीट के साथ आए हैं सारे न्यू मेडिकल कॉलेजेस, यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर हम देखते हैं तो 1350 न्यू सीट हमारी तेलंगाना में हो गई हैं जिसमें से गवर्नमेंट की 500 हैं और प्राइवेट की 850 न्यू मेडिकल सीट हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश में एक मेडिकल कॉलेज श्री बालाजी जो आप लोगों का चित्तौर का आया था 150 सीट के साथ, ट्रस्ट का कॉलेज था, अभी 150 सीट के साथ एक और न्यू मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट का आ गया है जिसका GMC आप लोगों का विजिन गारम इसका कॉलेज का आप लोगों का नेम है। और हम बात कर लेते हैं असम की, असम में भी हमें 3 न्यू मेडिकल कॉलेजेस इस बार देखने को मिल गए हैं। और देखिए अभी काउंसलिंग जैसे जैसे स्टार्ट होगी ऑब्वियसली NMC पे और भी सीट आप लोगों की अपडेटेड होंगी, और कैंडिडेट के लिए तो बहुत ही गुड न्यूज़ है क्योंकि लास्ट ईयर भी हम देखते हैं तो 18 लाख कैंडिडेट ने एग्जाम दिया था और अभी हमारे पास 1 लाख प्लस सीट यहाँ पे हो चुकी हैं और भी ज़्यादा सीट में हमें इंक्रीमेंट यहाँ पे इंक्रीज होती हुई देख सकती हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में देखिए एक गवर्नमेंट का कॉलेज आया था, अभी आप लोगों का ट्रस्ट का कॉलेज आया है प्रभानी मेडिकल कॉलेज जो कि आपका प्रभानी में ही है, 150 सीट के साथ आप लोगों का आया है। जम्मू कश्मीर में देखिए हमें 2 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस इस बार देखने को यहाँ पे गवर्नमेंट के मिले थे। MP में भी एक न्यू मेडिकल कॉलेज सतना वाला आप लोगों का आया था 150 सीट के साथ, इनकी बात हमने प्रीवियस वीडियो में कर ली थी। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, हम अभी जिसकी बात कर रहे थे अर्लियर की एक डीम्ड यूनिवर्सिटी आई है, तो हम एक बार NMC के पोर्टल पे भी देखेंगे इस चीज़ को, यहाँ पे हमने चार्ट में अपडेट किया है। आप जानते हैं MMU अम्बाला आप लोगों की एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है, अभी आप लोगों की जो आई है MMU
साधुपुर, महर्षि महाकंदेश्वर कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च साधुपुर, डीम्ड की यूनिवर्सिटी 150 सीट के साथ आई है। अगर आप लोग इसकी वेबसाइट देखेंगे तो देखिए वेबसाइट पे अभी MBBS का कोर्स यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ है, हमने वेबसाइट चेक की थी, तो वो जैसे ही अपडेट होगा तो आपको जो भी फीस का हमारा रहने वाला है, क्योंकि न्यू मेडिकल कॉलेज आता है तो ऑब्वियसली अगर कैंडिडेट ओपन स्टेट है जा सकते हैं, और डीम्ड में तो आप जानते हैं सभी कैंडिडेट जा सकते हैं, बट आप लोगों के पास उतने मार्क्स होने चाहिए प्लस आप लोगों का उतना बजट होना चाहिए कि आप उनको अफोर्ड कर सकते हैं। तो हरियाणा में आप लोगों की जो डीम्ड यूनिवर्सिटी आई है, वेबसाइट पे अभी MBBS का हमने जैसे बात की कि अभी MBBS का लिंक क्रिएट नहीं हुआ है, जैसे ही होगा फीस का कुछ आएगा तो आपको हमारे कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। साथ साथ अगर ज़्यादा डिटेल्स आएंगी, सीट मैट्रिक्स भी ऑब्वियसली सीट भी आएंगी, तो वो हम आपको एक वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म कर देंगे। और हम एक बार वेबसाइट पे भी इस चीज़ को देख लेते हैं, हमने यहाँ पे आप लोगों के लिए फाइंड आउट करके रखा हुआ है MMU साधोपुर का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे MMU आप लोगों का जो अंबाला की यूनिवर्सिटी है, डीम्ड यूनिवर्सिटी है, वही आपके MMU अंबाला वाले ही आप लोगों की यहाँ पे MMU साधोपुर आप लोगों की यूनिवर्सिटी क्रिएट हुई है डीम्ड की 2023 न्यू 150 सीट के साथ क्रिएट हुई, 150 सीट के साथ आई है। और ऑब्वियसली अभी तो परमिटेड ही होगी, जब तक आप लोगों का यहाँ से बैच नहीं निकल जाएंगे ऑब्वियसली आप लोगों की PG कोटा तो यहाँ पे अभी नहीं चलेगा क्योंकि न्यू यूनिवर्सिटी है। तो बाकी आप लोग वेबसाइट देखेंगे तो वेबसाइट पे अभी अपडेट नहीं हुआ है हरियाणा की, और तो अभी हम देख सकते हैं 49 डीम्ड यूनिवर्सिटी थी, अभी 1+ हमारी डीम्ड यूनिवर्सिटी एक और हो गई है, वो जैसे जैसे अपडेट होता जाएगा वैसे वैसे आपको यहाँ पे इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। प्लस हमें इस बार नागालैंड में भी एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज न्यू देखने को मिला है, नागालैंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च, तो 100 सीट के साथ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आप लोगों का यहाँ पे आया है। और बाकी ये अदर चार्ट है जो आप लोगों की जो स्टेट में जो पहले से कॉलेजेस हैं उनमें सीट इंक्रीज हुई है, और ये जो सीट आप लोगों की इंक्रीज हुई है ना, जो आप लोगों के पहले से कॉलेजेस हैं, ये ऐसा नहीं है किसी पर्टिकुलर स्टेट में आप लोगों की सीट इंक्रीज हुई है, आप लोगों की डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में हुई है, यानी कि ओवरऑल इंडिया में जो हमारे स्टेट हैं उन सब में आप लोगों की सीट यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, जिसमें से हमारा UP भी आ रहा है आप देख सकते हो। और UP तो आप लोगों को पता है लास्ट टाइम पे जब हमारी भारती मेडिकल कॉलेज जो हमारा है, जो कि हमारा बुद्ध कोटा का हो गया है, उसमें बुद्धिज्म का कोटा हमारा चलेगा शुभ भारती मेडिकल कॉलेज में, लास्ट टाइम पे उसमें काफ़ी सीट अवेलेबल रह गई थी, तो उसकी काउंसलिंग स्ट्रे वैकेंसी राउंड तक ही गई थी, आप लोग हमने बताया था अपनी वीडियोस में, सिर्फ एक शुभ भारती मेडिकल कॉलेज के लिए कैंडिडेट ऑफलाइन काउंसलिंग करके आए थे अगर उन्हें सीट लेनी थी तो। तो यही सारी इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए, और जैसे जैसे अपडेट होते जाएगी आपको वैसे वैसे हमारे चैनल पे सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। फिर भी देखिए आप लोगों को कुछ क्वेरी है, कुछ कन्फ्यूज़न है, सारे कॉन्टैक्ट नंबर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स जो हैं आपको क्रॉलिंग में शो हो रहे होंगे, साथ साथ आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं हमारी मेल ID, हमारा व्हाट्सएप लिंक, सारे कॉन्टैक्ट नंबर, लैंडलाइन नंबर, आपको सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड हो जाएंगी। फिर भी कुछ कमेंट है, क्वेरी है, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, हमारी टीम के साथ कॉल करके कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, हमारी टीम आपको गाइड करेगी, हमारी टीम के साथ आप कंसल्ट कर सकते हैं, हमारी टीम आप पूरी कोशिश करेगी कि आपकी जो भी कन्फ्यूज़न है, जो भी क्वेरी है, उसको सारी आप लोगों की सॉल्व कर दी जाए। सो फ्रेंड यही सारी अपडेट थी, कुछ भी न्यू अपडेट आएगा तो ऑब्वियसली आपको EDU ACS Ambrosia कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड चैनल पे इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट एग्जाम, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट काउंसलिंग एक्टिविटीज़।